देख सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स मैंने सुबह रन किए थे और रिज़ल्ट इसमें 15 मिनट्स का डिले टाइम होता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे इसमें एल्बुमिन है, ए एल टी है, ए एस टी है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन टोटल, ठीक है, यूरिया और लास्ट में यूरिक एसिड। ये इसमें जो कंसंट्रेशन जो लिखा है यहाँ पे इसका रिजल्ट शो कर रहा है। मेन स्क्रीन पर आप लोग जाके देख सकते हैं ये ग्रीन कलर हो जाता है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है हमने देखकर आपको पता चल गया होगा जिस एनालिसिस के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, A15 बायो सिस्टम्स, ठीक है, जो कि बायोकेमिस्ट्री फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो गाइस इसमें ना दो स्विच होते हैं, ठीक है, एक स्विच इसका होता है फ्रिज का, ठीक है, फ्रिज ऑलरेडी इसमें होता है जो रीजन जहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, इसका अलग स्विच है और मशीन को ऑन करने का अलग स्विच है। दो स्विच पीछे की तरफ होते हैं, मैं आपको दिखा देता, थोड़ा पीछे ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड सा है, ठीक है, और ये सिस्टम इसके साथ में इंक्लूड है, ठीक है। तो अभी हम एंट्री जो करते हैं, पहले हम सॉफ्टवेयर को जो है लॉगिन करते हैं, पासवर्ड आईडी सबका अलग ही होता है, ठीक है, अभी पासवर्ड आईडी डाल के हम इसको लॉगिन करते हैं। तो भाई पासवर्ड आईडी लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना होता है, एनालाइजर स्टडी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको वार्मिंग अप करना है, ठीक है। वार्मिंग अप का ये टाइम लेती है, 6 से 7-8 मिनट तक का टाइम लेती है। वार्मिंग अप होने के बाद ये बीच में मांगेंगी ये वॉशिंग सॉल्यूशन मांगती है, ठीक है, ये होते हैं हमारे, हमने बनाए हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 3 लीटर डिस्टिल्ड वाटर प्लस 14 ml कंसनट्रेटिंग वॉशिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी ये मांगेगी हमारा ये वाला सॉल्यूशन, एक और बनाया हुआ ना 3 लीटर वाला ना, जो दोबारा ये मांगती है, ये मांगेगी कंसनट्रेटेड सिस्टम लिक्विड, ठीक है, इसमें लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में CSL, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में CWS, ठीक है, ये होता है कंसनट्रेटेड वॉशिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक मांग लेगी, ठीक है, हमने ये वाला जो है कंसनट्रेटिंग जो सिस्टम लिक्विड है वो हमने इसमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देगा, मैं दिखा दूँगा आपको जैसे ही ये मांगेगा ना। गाइस आप लोग देख सकते हैं ऐड वॉशिंग सॉल्यूशन बिफोर कंटिन्यू, ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये निकालते हैं और यहाँ पे ये चेंज कर दें, ठीक है, इसको। तो भाई ये हमने चेंज कर दिया कंसनट्रेटिंग, ठीक है, अब यहाँ से सीधा इसको ऐड वॉशिंग सॉल्यूशन बिफोर कंटिन्यू, यहाँ से इसको वॉशिंग करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये वॉशिंग कर दिए, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग नीचे, ठीक है, नीचे पे कटिंग हो रही है, ठीक है, रिएजेंट भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये रिएजेंट्स हैं, ठीक है, ये मैं बता दूंगा आपको फिल कैसे करते हैं रिएजेंट, सब हर चीज़ बता दूंगा आपको। तो भाई जी फिर से मांगने लग गया है ऐड सिस्टम लिक्विड बिफोर कंटिन्यू, तो हमने वो ऑलरेडी ऐड करा हुआ है, तो यहाँ से हम सीधा इसको वॉशिंग कर लेंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं, देख सकते हैं आप पाइप में वॉशिंग हो रही है, ठीक है, जैसे वॉशिंग होती है मैं ये रेडी आ जाएगी, मैं आपको जो है डेस्कटॉप पे दिखा दूंगा, ठीक है, फिर हम सीखेंगे साथ साथ सैंपल कैसे रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये रिएजेंट रैक है, ठीक है, यहाँ पे दो रैक रख सकते हो आप, एक बार में 48 सैंपल्स आप रन कर सकते हो, ठीक है, तो मैं इसकी रैक आपको दिखा देता हूँ। तो ये सैंपल रैक होती है इसकी, ठीक है, मैं रख देता हूँ, ये लिखा हुआ है इस पर 1 से लेकर के 24 तक इसमें सैंपल आप एक साथ रन कर सकते हो, ठीक है। ऐसी एक और रैक है, ठीक है, वो रखी हुई है अभी, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने सैंपल रख सकते हैं, हम एक साथ 24 सैंपल अगर आएंगे तो तभी रखेंगे, अभी दो चार सैंपल आते हैं तो हम साथ साथ इसमें रन करते रहते हैं, ठीक है, इसको ऐसे फंसाएंगे और सीधा इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये लग गई है, तो अभी हम सैंपल रन करते हैं इसमें, ठीक है, कंट्रोल कैलिब्रेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी सीखते हैं कि सैंपल कैसे रन करते हैं, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, इनका हमने LFT रन करना है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं इसको जो है रखता हूँ अभी, इसको मैं फर्स्ट पोजिशन पर रखता हूँ। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, ठीक है, एक नंबर पर नगमा है, ठीक है, आप नंबर आईडी भी डाल सकते हो। अब हम जाते हैं सीधा, अभी ये वार्मिंग अप हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, वार्मिंग कर लेते हैं, ठीक है, एंट्री हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेशेंट कोड में आप नगमा नाम डालेंगे, जो पेशेंट है नगमा, और इस पर दे के आप एक नंबर डाल सकते हैं, एक नंबर का हमारा ये पेशेंट है, ठीक है, और LFT ऐड करते हैं सीधा, यहाँ से LFT ऐड किया आपने, अब इसके नीचे पूरे पैरामीटर आ जाते हैं, टोटल बिलिरुबिन डायरेक्ट, AST, LT, LP, प्रोटीन, एल्बुमिन, है ना, और यहाँ पे जो ये है ये देख सकते हो आप, इसमें लिखा है ऐड सिलेक्ट प्रोफाइल एंड टेस्ट टू द पेशेंट, इसको यहाँ से ऐड करना है, ठीक है, ये इसका पेशेंट का ऐड हो गया है। अब क्या करना है, ठीक है, नीचे देख सकते हैं आप, ये लिखा है पोजीशन, इसको पोजीशन देनी है, ठीक है। अब लिखा है डू यू विश टू सेंड टू पोजीशन ऑल सैंपल ऑन द लिस्ट, ठीक है, यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है, ये हमने सैंपल लिस्ट में इसको ऐड करा। अब यहाँ पर ये जो हमारी रैक है, ठीक है, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये चीज़ ध्यान रखनी है ऑटो सैंपल, ठीक है, यहाँ पे ऑटो सैंपल क्लिक किया,
ये हमारे यहाँ हुआ। अब ये मेन चीज़ है दोस्तों समझने की ना, यहाँ पे जो ये आ रहा है ब्लू कलर, ये हमारा है वाइल वाला, ठीक है, ये समझ लेना है ध्यान से। ये देखो ये जो ब्लू कलर है हमारा, तो ये वाइल वाला है, ठीक है, ये वाइल हमने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है माउस को, ये जो आ गया आपका थोड़ा लाइट ब्राउन से कलर आ गया, इसमें आपका ये कप वाला कलर है, ये मतलब जो ये कलर है ये इसमें कप रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये आप करना भूल जाते हो तो उसमें क्रॉप टूट जाएगी, ठीक है, और नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या करना है, अब एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है। अब इसमें लिखा है डू यू विश टू सेव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैक ट्रे इन द फाइल, ओके कर देना यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा ये यहाँ पे येलो कलर में आ जाएगा, मतलब ये टेस्ट हमारा ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब ऐसे ही हम दूसरी एंट्री करते हैं, फिर जाते हैं देख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सैंपल। आप ऐसे माउस को ना क्लिक करके देख सकते हैं, आपको लिखा आ जाएगा ये सब जो है ना, ये प्रोग्रामिंग यहीं से करते हैं, दे सकते हैं राइट क्लिक कर, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर से इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर ओके करेंगे, ठीक है। अब गाइज हमने क्या करना है, अगर एंड वार्मिंग अप आ जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, ये जो चल रही है ब्लू पट्टी, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू कर देना है और ये टेस्ट जो है रन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तब तक वेट करते हैं। तो गाइस वार्मिंग अप कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे वार्मिंग अप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से सीधा हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको, एनालाइजर स्टेट लेता है ये, ये देख सकते हैं गाइस अब प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, इसने सैंपल भी लेने शुरू कर दिए हैं और रिजेंट ले रही है, ठीक है, वहाँ पे मिक्स करती है, ठीक है, अब सैंपल ले रही है, ये लोग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, जो भी प्रोसेसिंग होती रहेगी वो यहाँ पे ये कलर आता रहेगा आपका, ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे गाइस इसमें ना प्रोटीन टोटल और ब्लू बिन डायरेक्ट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊँ थोड़ा जूम करके यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो माउस, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, करंट रिजल्ट में आप जाते हो, ठीक है, जैसे नगमा फर्स्ट नंबर था, ये देख सकते हैं आप 0.78 डायरेक्ट, 7.49 टोटल है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस की। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स मैंने सुबह रन किए थे और रिजल्ट इसमें 15 मिनट्स का डिले टाइम होता है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे इसमें एल्बुमिन है, ALT है, AST है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन टोटल, ठीक है, यूरिया और लास्ट में यूरिक एसिड, ये इसमें जो कंसंट्रेशन जो लिखा है यहाँ पे इसका रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे रिजल्ट आते हैं ना मेन स्क्रीन पर आप लोग जाके देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर हो जाता है, ये पूरे रिजल्ट दे देता है आपको विद इन 15 मिनट्स। बहुत ईजी मशीन है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम मैनुअली है, जिसमें जैसे रिएजेंट्स आपको जो है खुद से फिल करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको मेजर करके रिएजेंट रखने पड़ेंगे, बार कोडिंग सिस्टम नहीं है, लास्ट टाइम मैंने M200 बनाई थी तो वैसा सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।